नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज इस समय काफ़ी शानदार फॉर्म में हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले भारतीय टीम की त्रिमूर्ति केएल राहुल, विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में। दोस्तों, तीनों ने इस बार T20 में धमाल किया है और T20 में शानदार फॉर्म हासिल है इन तीनों खिलाड़ियों को। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इन तीनों खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी सबसे बेस्ट बल्लेबाज है T20 का, पिछली 10 पारियों में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाए, वो हम आपको बताने वाले। तो दोस्तों, पूरे आंकड़े देखने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। और साथ ही दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें अगर आप भी इन तीनों खिलाड़ियों के फैन हैं। तो दोस्तों, तीनों खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के लिए काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया T20 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हुई सीरीज में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले की 10 पारियों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोहित शर्मा की, जिन्होंने बनाए दोस्तों पिछली 10 पारियों में 302 रन 30.2 की औसत से। स्ट्राइक रेट रहा दोस्तों इनका 122.30 का। इन 10 पारियों में इन्होंने 3 अर्धशतक लगाए और दोस्तों इनका हाईएस्ट स्कोर रहा 85, यानी कि रोहित ने अच्छा प्रदर्शन तो किया लेकिन दोस्तों वो फॉर्म नहीं दिखी जिससे रोहित शर्मा के लिए जाना जाता है। इन दो मुकाबलों में जरूर अच्छा किया था, आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ और यहाँ पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन दोस्तों इसके अलावा ये थोड़े धीमे हुए हैं। वहीं पर अब बात करते हैं दूसरे खिलाड़ी केएल राहुल की। तो केएल राहुल ने भी पिछली 10 पारियों में कमाल की बल्लेबाजी की है और दोस्तों 10 मुकाबलों में 371 रन बनाए हैं 37.1 के औसत के साथ, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट रहा 122.78 का। दोस्तों इन्होंने 4 अर्धशतक लगाए जिसमें इनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा 91 रन। दोस्तों इन्होंने भी अच्छा प्रदर्शन किया, हालांकि अपनी स्ट्राइक रेट को बढ़ाना चाहेंगे लेकिन दोस्तों इनकी पिछली 10 पारियों से ये 10 पारियां काफ़ी बेहतर हैं और दोस्तों ये आगे लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद करते हैं इनसे और इस समय इनका बल्ला जमकर बोल रहा है। वहीं पर दोस्तों अब बात करते हैं हम आखिरी नंबर पर विराट कोहली की। विराट कोहली भी इस साल इस समय काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं T20 में। इन्होंने 10 मुकाबलों में 467 रन बनाए दोस्तों 46.6 के औसत के साथ। इनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा 138.86 का। 5 अर्धशतक लगाए इन्होंने पिछली 10 पारियों में और इनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है 94 रन, यानी कि काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया इन्होंने और अपना जो बल्लेबाजी का जिस तरह का इनका रवैया है वो यहाँ पर अपनाए हुए हैं और इसमें काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो दोस्तों इन तीनों के आंकड़े देखकर तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर विराट कोहली सबसे बेस्ट बल्लेबाज हैं इन तीनों में से, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा और केएल राहुल का प्रदर्शन भी इस समय काफ़ी शानदार है। तो आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है इन तीनों में से, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद दोस्तों।